उत्तर प्रदेश से चुनाव जीते किशोरी लाल शर्मा की संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। इस खतरे की वजह कांग्रेस सांसद का अपने नामांकन पत्र में गलत डिटेल भरना है। नामांकन पत्र की जांच के दौरान भले ही इसका संज्ञान जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नहीं लिया गया, लेकिन अब इस मामले में बीजेपी कानूनी प्रक्रिया अपना सकती है, जिससे कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद किशोरी लाल के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि किशोरी लाल शर्मा देश की हॉट सीटों में शुमार अमेठी से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर बीजेपी के दिग्गज मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव हराया। अमेठी लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन साल 2019 के चुनाव में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था। उसी का बदला कांग्रेस ने 24 के चुनाव में स्मृति और बीजेपी को बड़े अंतर से हरा कर लिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने अपने नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दिया था उसके फॉर्म 26 के नियम संख्या 4A के तहत ये घोषणा की थी कि वो 17वीं लोकसभा के लिए 37 अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 17वीं लोकसभा की जानकारी गलत है और इस बार 18वीं लोकसभा के लिए देश में निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। ऐसे में किशोरी लाल शर्मा द्वारा अपने नामांकन शपथ पत्र में गलत जानकारी अंकित की गई, जिससे कानूनी तौर पर उनके निर्वाचन का मामला फंस सकता है। हालांकि कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के नामांकन पत्र की जांच के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन अब अमेठी से चुनाव हारी पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी पार्टी बीजेपी इस मामले में कानूनी प्रक्रिया अपना सकती है। अगर बीजेपी ने इस मामले का संज्ञान लेकर कानून का रुख किया तो उनका ये कदम कांग्रेस और किशोरी लाल शर्मा के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर इस मामले में देखा जाए तो अमेठी से ही चुनाव लड़ी बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अपने नामांकन शपथ पत्र में लोकसभा की संख्या को अंकित ही नहीं किया है। इतना ही नहीं, बनारस से चुनाव जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निर्वाचन की 18वीं लोकसभा का जिक्र अपने नामांकन पत्र में नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के अमेठी से सांसद चुने गए किशोरी लाल शर्मा का शपथ पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में जानकारों का कहना है कि नामांकन पत्र में लोकसभा का नंबर लिखने की अनिवार्यता नहीं होती, लेकिन इस सब के बावजूद देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी और स्मृति ईरानी इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।